ध्यान से कभी भी लिखना है, एम जो है चार खाने में लिखा जाएगा, 0 1 2 3 4 लेने हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4। दो अक्षर जो है हमारे अल्फ़ाबेट में डब्ल्यू और एम जो है वो इसमें एक खाना बढ़ जाता है क्योंकि दोनों शब्द जो है तो बड़े होते हैं। तो अब आपने एम शब्द लिखना है, तो एक तो ये जो दो है ध्यान रखें, ये दो आधा सेंटीमीटर आपने इधर को करना है, दो के ऊपर सेट कर लिया से, आधा सेंटीमीटर इधर लगा लिया और आधा सेंटीमीटर इधर लगा लिया, ये आधा सेंटीमीटर दो के ऊपर, आधा सेंटीमीटर इधर आधा इधर। अब ये जो आधा है ये आधा आपने ऊपर जीरो के साथ मिलाना है, ऐसे यहीं तक लाइन लगाएं, पूरी ना खींचे, और ये लाइन अगला ऊपर का एक और नीचे से ये जो 2.5 सेंटीमीटर बन गया भाई यहाँ रखना है, और ऊपर का एक इसके साथ मिला देना है, हल्की लाइन लगा लें, कुछ मिटाना भी पड़ेगी हमें। अब ये लाइन हमें इतनी ही रखनी है यहाँ पे। अब उसी तरह दूसरी साइड पे चले जाएँ, ये जो 2.5 है नीचे से ये और ये ऊपर से आपका 4, ऊपर बड़ा 4 रहेगा ये ऐसे, और इधर से ये 1.5 है, 1.5 ये, और ऊपर से 3, इनको मिलाना बड़े ध्यान से करना है ये शब्द। और ये अब आपने ये जो आपको नीचे ये वो मिटा देना है, अब ये नीचे ये आपको लाइन ये मिटा देनी है इसमें से, आपको इस लाइन की लगाने की ज़रूरत भी नहीं, आप यहीं तक लगाएं जैसे हम लगाएंगे यहीं तक लगाएं और ये लाइन पूरे में लगा दें ऐसे, तो आपका एम जो है तैयार है। हमेशा याद रखना डब्ल्यू और एम जो है वो 4 में लिखा जाएगा। हम दो तरह के ग्राफ बनाते हैं, एक तो हम आजकल जो बना रहे हैं ये 5-3 का है, और दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो 7-4 का होता है, वो 7-4 में भी बनता है एक ग्राफ, उसमें जब एम लिखा जाएगा तो 7-4 में एम जो है 5 खाने में लिखा जाएगा, बस तो वही।